औरंगाबाद के सर्किट हाउस में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और मुरादाबाद प्रभारी जितिन प्रसाद का भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए एक और जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की 6 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाया, 5 वर्ष पहले और 1 वर्ष योगी सरकार 2.0 की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही उन्होंने कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, लैपटॉप, किसानों को ट्रैक्टर और दिव्यांगों को ई ट्राईसाइकिल का वितरण करने के साथ ही बच्चों को अन्नप्राशन कराया। वहीं गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी कराई गई और उन्हें पोषाहार का वितरण भी किया गया। सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यास, MLC सतपाल सैनी, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, SSP हेमराज मीणा, CDO सुमित यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, निवर्तमान महापौर विनोद अग्रवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्ले, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता, ADM सिटी आलोक कुमार वर्मा, SP सिटी अखिलेश भदौरिया आदि तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के साथ जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के 6 वर्ष, 5 साल पिछले कार्यकाल के और दोबारा 1 वर्ष का इस कार्यकाल के समाप्ति के उपलक्ष्य में हमारे बीच में यहाँ इस आयोजन में उपस्थित मुरादाबाद महानगर के हमारे प्रभारी VYP सिंह जी, हमारे वरिष्ठ विधानसभा विधान परिषद के सदस्य माननीय जयपाल सिंह बेस जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष और सदस्य विधान परिषद माननीय सतपाल सिंह सैनी जी, हमारे जिलाध्यक्ष मुरादाबाद राजपाल सिंह जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा जी, हमारे निवर्तमान महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री हरिओम शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक राजेश कुमार जी, यहाँ के जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री हेमराज सिंह मीना जी, मुख्य विकास अधिकारी श्री सुमित यादव जी, सभी संगठन के पदाधिकारीगण, गणमान्य व्यक्ति, जिले के अधिकारी, मीडिया के बंधु, आज जैसे कि अभी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का बोधन पत्रकार वार्ता देखी और सुनी और ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जिस परिवर्तन और विकास की राह पे चल गया है, जो इन 6 वर्षों में सुशासन, विकास और रोजगार के जो नए आयाम देखने को मिले हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के केंद्र सरकार का 8 वर्ष का कार्यकाल, जो एक नए भारत का निर्माण हो रहा है, और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के 6 वर्ष का कार्यकाल, जिसमें एक नया उत्तर प्रदेश। और मैं कह सकता हूँ बड़ी प्रसन्नता है इस विषय की कि तीनों चीज़ें अगर ली जाएँ, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, जिस पे लोकतंत्र टिका हुआ होता है, उत्तर प्रदेश में तेजी से इन तीनों बिंदुओं पे प्रगति हो रही है और परिवर्तन हो रहा है। जहाँ तक आर्थिक मामले का सवाल है, अभी आप ही लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में जो निवेश हो रहा है, जो टारगेट रखा था उससे 3 गुना 35 लाख करोड़ के MOUs लोगों ने इच्छा जाहिर की है। देश विदेश से उत्तर प्रदेश वो संभावनाओं का प्रदेश बन रहा है जहां लोग निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 6 साल के इस कार्यकाल में योगी सरकार के जो परिवर्तन और उत्तर प्रदेश में जो विकास दिखाई दे रहा है, वही उसी का परिणाम है कि जो आज निवेशकों की पहली चॉइस
उत्तर प्रदेश भारत में हो गया। और ये खास बात इसमें यह है कि जो निवेश आ रहा है वो सिर्फ एक हिस्से में नहीं, जो अधिकतर नोएडा में होता था, प्रत्येक जनपद पे निवेश उत्तर प्रदेश के हर एक हिस्से में, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मध्य और पश्चिमी में निवेश की इच्छा लोगों ने जाहिर की है। और दूसरी उपलब्धि यह है और वो है कि विभिन्न सेक्टर्स से, पहले सिर्फ यहाँ अधिकतर देखा गया था उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग, मगर अब रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल, डिफेंस, शिक्षा, सर्विसेज, आईटी, फूड प्रोसेसिंग, तमाम सेक्टर्स में निवेश आ रहा है। ये हम कह सकते हैं 6 साल की सरकार की उपलब्धि। और जिन जिन बिंदुओं में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है वो भी मैं आपको बता दूं, हालांकि सूची तो बहुत लंबी है, मगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण 52 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, ये भी देश में प्रथम उत्तर प्रदेश। उज्ज्वला योजना में 1,75,00,000 पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश प्रथम है। स्वच्छ भारत मिशन में 2,60,00,000 शौचालय का निर्माण उत्तर प्रदेश प्रथम है। तमाम ऐसी जनधन योजना, 8,56,00,000 खाता खोलने के लिए उत्तर प्रदेश प्रथम है। तो एक तरफ तमाम योजनाओं में उत्तर प्रदेश जो एक ज़माने में बीमारू राज्य और उसकी गिनती कहीं आखिरी में हुआ करती थी, आज अग्रिम पंक्ति में भी आ गया है। और ये किसी से छुपा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का नाम सुनते लोग मुंह फेर लेते थे, वो परिवर्तन आ गया है। और यहाँ की कानून व्यवस्था, विकास और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, चाहे वो हमारे सरकार की सोच हो, हमारे अधिकारियों का काम करने का तरीका हो, और आम जन में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। और अगर मैं आपको तुलना करूं कुछ बिंदुओं पे, जो 2012 और 17 की जो सरकार थी और 17 के बाद अगर आप स्वच्छ भारत मिशन देखेंगे तो 2012-17 में 25 लाख उन 5 वर्षों में शौचालय बने थे, और 17 के बाद आज तक 2,60,00,000 शौचालय बन गए हैं। अगर आप प्रधानमंत्री आवास की तुलना करें तो 12 और 17 के बीच में 5 वर्षों में जो सरकार रही उस समय, उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री आवास के नाम पे ठगा और 18,000 आवास बने हैं 5 वर्ष में, जो 2017 के बाद देखा जाए तो 53,00,000 आवास अंदाजन बनाए गए। और भी मैं अगर मैं बिंदुओं पे जाऊं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2015-16 में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था और आज सबसे नंबर 1 स्टेट बन के उत्तर प्रदेश उभरा है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय लें तो 2017 के पहले प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम थी और आज प्रति व्यक्ति की आय दुगनी हो गई है इन 6 वर्षों। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं और ये जो बुकलेट हैं जिसमें आंकड़े पेश किए गए हैं, तमाम इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हर एक उसमें उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। हमारे चाहे वो पेयजल व्यवस्था हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कृषि क्षेत्र हो, जो पहले की भांति जो हुआ करता था कि धान खरीद हो, गेहूं खरीद हो, सेंटर खुल जाते थे मगर खरीद के नाम पे कुछ नहीं होता था, बिचौलिए हावी थे, गन्ने के पेमेंट हो, उस टाइम पेमेंट नहीं होता था, आज तुरंत गन्ने का पेमेंट हो रहा है, किसान खुशहाल है, तमाम ऐसी
क्रांतिकारी योजनाएं आएंगी। और जहां तक मुरादाबाद का सवाल है, मुरादाबाद के एक बड़ी उपलब्धि सरकार ने अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, नए विश्वविद्यालय के जो मुरादाबाद में इस क्षेत्र को मिलेगा वो बहुत, जो अभी तक रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से सभी लोग संबद्ध होते थे वो अपने आप में एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए और उनकी शिक्षा के लिए। तो जहाँ तक मुरादाबाद जनपद की बात है, माने मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद में 470 करोड़ की कुल 46 परियोजनाओं का लोकार्पण ये किया गया था और ये बड़ी सौगात है। यहाँ पर वो जो आपका एक पुल है 106 करोड़ का सोनकर रेलवे ऊपरगामी, वो भी अभी हुआ है। तमाम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 294 MOU मुरादाबाद करीब 22,800 करोड़ के यहाँ पे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इस उपलक्ष्य में हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देते हैं और उनके सफल मार्गदर्शन में काम करने का जो अवसर मिल रहा है हम अपना सौभाग्य समझते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी का सानिध्य और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व। धन्यवाद। राहुल गांधी जी को सजा हुई है, कोर्ट से सदस्यता गई है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके काफी करीबी हो रहे थे अपने समय में और घटना जब बताई जा रही है उसमें आप कांग्रेस में हुआ करते थे। इसमें करीबी और दूरी की बात नहीं है, इसमें बात यह है कि ये भारत में संविधान और कानून सबके लिए बराबर है और ये एक न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हुआ है और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन सभी लोग आते हैं। जो उल्लंघन करेगा उसके लिए न्यायालय है और जो उसने अपना वर्डिक्ट दिया है वो सभी को मान्य। जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं क्या आप मानते हैं कोर्ट जो मानना कर रही है लोग? अब वो उन्हीं से पूछिए, जहाँ तक हमारा ये कहना है ये स्पष्ट है कि एक न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हुआ है, इसमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। धन्यवाद। कांग्रेस बैठ गए हैं काली पट्टी बांध करके, एक मैसेज दे रहे हैं पूरे देश में। क्या मैसेज दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैंने बताया ना आपको ये न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हुआ है तो इसमें राजनीतिक कोई हस्तक्षेप है ही नहीं, हम क्या बताएं उसके बारे में। चलिए अभी समीक्षा करेंगे।